नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं हिसार में। हिसार में एक बहुत पुराने वैद्य हैं, वैद्य छबीलदास नेहरा जी। तो इनसे मैं काफ़ी बार टाइम ले चुका था, लेकिन आज मौका मिला है और मैंने एक हॉस्पिटल में अंकल जी को पकड़ा है। तो अंकल जी, सबसे पहले तो आपका नमस्कार है। राम राम। आपने 58 साल वैद्यगिरी की है। हाँ। अब मेरे ख्याल से आपने 3 साल हो गए छोड़ दिया। तो आप भजन भगवान का भजन कर रहे? अच्छा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें पूछ के जाऊं जिससे लोगों को फायदा हो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप वैद्य कैसे बने? देखो, भारतवर्ष की इंडिया के आयुर्वेद की एक यूनिवर्सिटी थी। अच्छा। पहले ये BMS GMS कोर्स नहीं होते। अच्छा। उसका नाम था निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ धनवंतरी भवन पंजाब विभाग नई दिल्ली। अब भी उसका कार्यालय चल रहा है। संस्कृत की यूनिवर्सिटी थी। पेपर संस्कृत में आते थे, जवाब चाहे हिंदी में लिखो चाहे संस्कृत में। अच्छा। जो संस्कृत में जवाब लिखता था उसके पीछे आयुर्वेद शब्द लग जाता था उपाधि से पहले। अच्छा। आयुर्वेद आचार्य। अच्छा। आयुर्वेद विशारद। आयुर्वेद भिषक। 3 परीक्षाएं होती थी। जो मिडिल लड़के होते थे उनकी भिषक की परीक्षा होती थी। अच्छा। जो मैट्रिक होते थे उनकी विशारद की परीक्षा होती थी 2 साल की, और भिषक की 2 साल। अच्छा। और आयुर्वेदाचार्य की 2 साल की। 2 साल आयुर्वेद विशारद करके फिर 2 साल आयुर्वेदाचार्य करो। और जो हिंदी में लिखते थे प्रश्न या उत्तर तो उनको वैद्य विशारद, वैद्याचार्य, वैद्य भिषक, ये डिग्रियां होती थी। तो ये कौन से साल की बात है? ये 1967 की बात है। 1967 तब आपने वहाँ से की? हाँ। एक क्लास रजिस्ट्रेशन होती थी उस यूनिवर्सिटी की आयुर्वेद विशारद की। सरकारी औषधालयों में वैद्य लगते थे। अच्छा। ये GMS BMS कोर्स नहीं होते, वैद्य आते थे बस, वहाँ से वैद्य बनते थे। अच्छा। और प्योर आयुर्वेद की स्टडी होती थी। एलोपैथी का कोई उसमें मिश्रण नहीं। उसमें तो एलोपैथी डॉक्टर भी कम ही होते थे, ज्यादा होते। हाँ, बिल्कुल है, थोड़े कुछ ही देर थोड़े। तो प्योर आयुर्वेद की स्टडी हमारे ग्रंथ हैं आयुर्वेद के 8-10 बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ। मतलब चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, माधो निदान भाव, प्रकाश निघंटु, सारंग दर्श संहिता, हरित संहिता, इन सारे ग्रंथों को अगर 10-10 बार बच्चा नहीं पढ़ लेता था पास नहीं होता। पास नहीं होता। 30% रिजल्ट आता था यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, हमने घोटती है सारे। हाँ, खूब है घोटे। जब भी जो फर्स्ट डिवीजन से मतलब पास होया। अच्छा। आयुर्वेद विशारद में, और मतलब एक क्लास रजिस्ट्रेशन होती थी विशारद। ठीक है जी, तो वहाँ से की। तो आपने फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी? हाँ, प्रैक्टिस शुरू कर दी। बाकी अच्छे वैद्यों के संपर्क में रहा मैं, बूढ़े वैद्य महात्माओं के संपर्क में मिला, जो वैद्य थे महात्मा। अच्छा। और वैद्यों के संपर्क में मिला। मैंने अपनी जी जान से चेष्टा की कि अच्छा नुस्खा कोई हुआ तो उसको कहीं से भी लो, कैसे भी लो, ये नहीं कहने प्रकार है ना, जिस किस तरीके से भी मिले लो, ले लो। ठीक है ना, समझ। तो 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं आयुर्वेद के, एक तो निदान करना, रोग की गहराई तक जाना कि रोग क्या है, मूल बात तो ये है। दूसरा, उसका नुस्खा अच्छा होना चाहिए, रामबाण जैसा होना चाहिए जो लगे। अच्छा, जो हमारा भाव प्रकाश निघंटु ग्रंथ है वो द्रव्य गुण शास्त्र का ग्रंथ है। अच्छा। जितने द्रव्य दुनिया के अंदर है ना, हरड़ में क्या गुण है, बहेड़े में 40 पत्थर, तेजपात, जावित्री, जायफल, चांदी, भसम, स्योना भसम में क्या गुण है, बकरा के मीट में मीट वर्ग है। अच्छा। मांस वर्ग, बकरा के मीट में, मुर्गा के मीट में क्या गुण है, ठीक है ना, भेड़ के मीट में क्या गुण है, मूत्र वर्ग है, जिस तरह गाय के मूत्र में क्या गुण है, मानव मूत्र में क्या गुण है, भेड़ के मूत्र में क्या गुण है, सारे मूत्र वर्ग, फल वर्ग है, भाई सेब में क्या गुण है, केड़े में क्या गुण है, मौसमी में क्या गुण है, ये सारे आगे फल वर्ग आगे। तो उसको जो वैद्य पढ़ेगा ना गहराई से। अच्छा। और समस्त का पारंगत, समस्त भाव प्रकाश निघंटू में पारंगत हो जाएगा। वो यूं जांच लेगा इस रोग के अंदर ये औषधियाँ कारगर हैं, और उसी हिसाब से उन द्रव्यों का संग्रह करके वो नुस्खा तैयार करेगा, फिर उस नुस्खे की अजमाइश करेगा। अजमाइश करने से अनुसंधान होता है। अब हर रोग की हर 3-4 पद्धतियाँ हैं हमारे अंदर, आयुर्वेद है, एलोपैथी है, यूनानी है, होम्योपैथी है,
तो हर एक पत्ती में हजार हजार नुस्खे एक एक रोग के, और परीक्षा की कसौटी पे 90-100% बीच के अंदर कामयाब जो है नी 5-4 नुस्खे मिलेंगे। अच्छा। और वो परीक्षण से होते हैं। मैंने 20 साल शुरू में परीक्षण किया। अच्छा। कोई पैसा नहीं लिया आयुर्वेद का। अच्छा। एलोपैथिक प्रैक्टिस जो थोड़ी बहुत की उसके पैसे लिए, ठीक है ना, और आयुर्वेद के इतवार को नाड़ी देखना। अच्छा। फ्री, कोई पैसा नहीं लेना किसी। और 8 कापियां भरी मैंने मोटी मोटी। अच्छा। नुस्खों की, निघंटू के आधार पर या शास्त्र पढ़ के उनके आधार पर, अवचरक संहिता में से लिया कोई नुस्खा, कोई सुसुर संहिता में अच्छा लगा वो लिया, कोई भाव प्रकाश निघंटू में तो लिया, सारंगदत्त उनकी वो पुस्तक है भाव प्रकाश, नहीं ये क्या नाम, बाण भट्ट कोरू पांडुओं का वैद्य था, उसने अष्टांग हृदय नाम का ग्रंथ लिखा। तो अष्टांग हृदय आयुर्वेद में 8 अंग है, उसमें सभी अंगों का समावेश है, काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, भाई बड़े आदमी का इलाज काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, बच्चों का इलाज, प्रसूति तंत्र, जच्चा का इलाज, अगध तंत्र, जहरों का इलाज, ठीक है ना। तो रसायन और वजीकरण, शक्तिवर्धक औषधियाँ, वजीकरण जो बलवीर्य बढ़ाने वाली मर्दानगी की औषधियाँ, मतलब 8 अंग हैं, उसमें 8 अंगों का समावेश है, और पांडुओं का वैद्य था वो बाण भट्ट। बाकी हमारे जो ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, चरक मुनि सबसे पारंगत हुआ इसमें। अच्छा। जिन्होंने जिसने चरक संगीत सर्जरी भी करना सिखाया हमें, वो सुसुर थे। तो चरक ऋषि जो है नी, उसने एक चरक संहिता ग्रंथ लिखा। अच्छा। और हिंदुस्तान के वैद्यों का सम्मेलन बुलाया, मतलब उसने कहा कि भाई ये ग्रंथ तुम्हें एक एक देता हूँ मैं, और इसका अध्ययन करो 6 महीने। अच्छा। फिर मैं तुम्हारा सम्मेलन बुलाऊंगा और उसमें कोई प्रश्न रखूंगा, उसका आपने जवाब देना है। तो उन्होंने वैद्यों ने अध्ययन किया, 6 मास के बाद वो बुलाया सम्मेलन, कहने लगा भाई स्वस्थ रहने का मूल कारण क्या है। अच्छा। चरक ने कहा, तो कोई तो कहे दोषों का नाम, दोषों की क्षमता का नाम आरोग्य, वात पित्त कफ 3 दोषों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है ना आयुर्वेद, ये तीनों बराबर रहे तो आरोग्य निरोग रहता आदमी, और दोषों की विषमता का नाम वो दोष घट बढ़ जाते हैं, वात बढ़ जाएगी, वायु के रोग हो जाएंगे, पित्त बढ़ जाएगी, गर्मी के रोग हो जाएंगे, कफ बढ़ जाएगी, बलगमी रोग हो जाएंगे। अच्छा। वात पित्त बढ़ जाएगी, गर्म बा के रोग हो जाएंगे, पित्त कफ बढ़ जाएगी, गर्म सर्द के रोग हो जाएंगे, वात कफ बढ़ जाएगी, सर्द बागे रोग हो जाए, ये दवदंत बोलते हैं इसको, एक दोष से वात पित्त कफ रोग, फिर दो दोष से दवदंत, फिर त्रिदोष बढ़ जाता है, तीनों दोष बढ़ जाते हैं शरीर में, घट बढ़ जाते हैं, तो उसको शनिपात बोलते हैं। अच्छा। आयुर्वेद के। तो उसने पूछा कि स्वस्थ रहने का भाई मूल कारण क्या है, कैसे स्वस्थ रह जाए। हाँ। तो किसी ने कहा दोषों की वृद्धि का नाम रोग है, विषम क्षमता का नाम आरोग्य है, किसी ने कहा दोषों को संभाव में रखो, किसी ने कहा भोजन मिथ्या आहार विहार से रोग आराम जाए थे, ये गलत खान पान से रोग पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो कोई उत्तर नहीं दिया तर्क संगत, उसका जी उतर गया। अच्छा। तर्क ऋषि का सोचा भाई मैंने तो इतनी तपस्या छोड़ी भगवान की, और ये ग्रंथ लिखा अनुसंधान करके, और इनमें तो कोई भी नहीं समझ पाया इसके सार तत्वों को, तो वो चल पड़े तपस्या करने के। अब बाण भट्ट मिल गया। अच्छा। कोरू पांडुवाला वैद्य, तो नहीं बोला बाण भट्ट ने उसके चरण स्पर्श किए, और वो कहने लगा कहाँ चले ऋषि जी। बोला यार कुछ नहीं, बोला किसी के पास बुद्धि तो है नहीं है, मैंने एक ग्रंथ तैयार किया था महान तपस्या करके, और उसकी सार तत्व कोई नहीं पकड़ सका। बोला मैंने प्रश्न पूछा, पहले ग्रंथ दिया 6 महीने उन्होंने अध्ययन किया, फिर उसका जवाब सही मिला कौन किसी से, मेरा जी उतर गया संसार से, मैं तपस्या करूँ। बोला जी मेरे से पूछ रहे हो, शायद मैं उत्तर दे दूँ। बोला ये प्रश्न था मेरा, मेरे स्वस्थ रहने का मूल कारण क्या है। बोला हित भूख मित भूख, भूख धातु है, भूख मैंने खाना, ठीक है ना जी। हित भूख मतलब हितकारी भोजन करो, मित भूख थोड़ा खाओ। बोले ये है, वाह भाई वाह, ये मतलब मूल है। हाँ मूल है, मूल है। तो चरक ने लिखा है, चरक पढ़े बिना जो चिकित्सा करता है
वह वैद्य नहीं यमदूत है। अच्छा। हाँ सर्क ने किया है, बोले उसने कहा है जिस वैद्य के पास सफल योग नहीं है, योग माने नुस्खे, जिस वैद्य के पास सफल योग नहीं है वह वैद्य शस्त्र विहीन योद्धा। अच्छा। अब योद्धा हो शस्त्र न हो तो क्या करेगा योद्धा, क्या करेगा। हाँ ठीक बात है। फिर सुन लो, फिर उसने लिखा कि चिकित्सा के विषय में जो कुछ है इस ग्रंथ में है, जो इस ग्रंथ में नहीं है तो अन्यत्र कहीं भी नहीं है। उसने ये दावा किया चरक ने कि इलाज के बारे में जो है इस ग्रंथ में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं है वो कहीं भी नहीं है दूसरी जगह, ठीक है ना। तो चरक ऋषि और शब्द विज्ञान का बहुत तकड़ा वैद्य था, तो सुश्रुत ऋषि शल्य शालक्य का था, सर्जरी का जो अब ये डॉक्टर करते हैं वो उनके देन है। हाँ हमारे शास्त्रों में लिखा है, अब भी पुराने शास्त्रों में लिखा है कि लीवर का ऑपरेशन करो तो ये औजार होने चाहिए। अच्छा उनके जो है नहीं मतलब शस्त्र जो देवड़े नहीं औजार, वो आज प्रयोग में आ रहे हैं, आज विज्ञान चरम सीमा पर है, और वो सुश्रुत वाले औजार बरते जा रहे हैं आज। अच्छा। हाँ जी, और सुश्रुत का फोटो हरेक MS डॉक्टर के थिएटर में लगा पाऊगा, और जब ऑपरेशन करेगा उसको भगवान मान के कामना मान के मन्नत मान के फिर ऑपरेशन का हाथ लाऊगा। हाँ जी, ये आयुर्वेद से निकली है सारी चिकित्सा प्रणालियाँ। सारे नुक्ते खुद खुद पे आजमा लेते हो, इतने फिट हो आप। खुद खुद का आजमाने में लोगों पर आजमाए 20 साल जी, 20 साल कोई पैसा नहीं दिया मैंने। अच्छा अन्य रुका पड़ गया, अब उमेदपुरा मास्टर जो है नी एक पैसा नहीं लेता भाई। अच्छा आपकी ड्यूटी थी उमेदपुर में? उमेदपुरा थी आजला बादल का। अच्छा। मैं मतलब 208वां नंबर था जब मास्टर लग गया मेरिट में। अच्छा। 5000 मास्टर लिए थे और हमारा गांव गुआड में पोस्ट पड़ी थी काफी। अच्छा। और मैंने ही कोर्स कर रखा था, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि यहाँ प्रैक्टिस करेगा तो लोग निंदा करेंगे कि भाई ये तो प्रैक्टिस भी करे है माई मास्टर जी, क्योंकि जन्म का जमाना ऐसा थोड़ा बहुत था, उतना इतना तो नहीं था। फिर आप उमेदपुरा ड्यूटी करवा ली? मैंने शुरू में वहाँ लगा लिया, वहाँ DO ने मेरे साथ भी लगाई, बोले भाई लोग MLO की सिफारिशें आ रही हैं, ये सटेशन दे दो ये दे दो, तो इतनी दूर क्यों लेता है। सरसा तहसील थी उस टाइम, तो मैं कहना बहन जी नौकरी दूर की अच्छी हो, नज़दीक तो नहीं हो, कहेंगे ये भाई फलाना झगड़ेगा है यूनियन टिक्के लादा है क्या पढ़ाओ वाल का। मैं तो कह गूँ प्रैक्टिस करूँ। अच्छा मैं इतनी दूर से आपसे मिलने आया हूँ, तो कुछ नुक्ते आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी बताओ जो आपने पूरे आजमाए हों और वो उनको आजमा के घर पे ठीक हो सकते हैं। सबसे सफल इलाज किस चीज़ का आपने किया है जो आम समस्या है और उसका घर पे इलाज हो सकता है? देखो जी जिस तरह एक तो ये सियाटिका है, साइटिका, सियाटिका, हाँ ये काफ़ी चल रही है, गर्दन सी बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर इसको, ये बम है मोड से लेके मुर्चत चीज लग गए या कुल्ले से एडी तक लग गए, समझ गया। तो उसका बताऊ? हाँ बता दो। नंबर एक वात कुलांतक रस, वात कुलांतक रस, कुल मैंने परिवार और अंत मैंने अंत करना, वायु के कुल का अंत करने वाला। अच्छा। नंबर दो वात विध्वंसन रस, ठीक है, और नंबर तीन एकांग वीर रस। अच्छा। नंबर चार उंझारू मारतन। अच्छा। गोली आती ऊपर बाल पिष्टी, इनकी पुड़िया बना गए सबका एक एक रती, और एक पुड़िया सुबह एक पुड़िया शाम। अच्छा। अपना पानी से लो या दूध से लो, खाली पेट एक घंटा कुछ नहीं खाना। इससे अगर कितनी पुरानी सियाटिका हो ठीक हो जाएगी, कितना पुराना कमर दर्द हो, कितना ही पुराना सर्वाइकल हो, अच्छा सबको ठीक कर दे 2 महीने में। 2 महीने में आदर नया हो तो जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा परहेज क्या है इसके? परहेज तो लस्सी दही है, बादी की चीजें जिस तरह चना है, राजमा है, खीर है, चावल है, केला है। ये आपका खूब आजमाया हुआ नुक्ता है, खूब कमाल है यार। 58 साल के थोड़े हुए, 20 साल तो मैंने अनुसंधान ही किया है, कोई पैसा नहीं। मैं काफ़ी वीडियो बनाता हूँ। एक सबसे बड़ी जो समस्या अभी जो आम देखने को मिलती है कब्ज की है, कब्ज का इलाज नहीं मिल रहा। देखो कब्ज कोई अलग बीमारी नहीं होती, दो छोटी बड़ी आते हैं, एक बृहतांतर एक अक्षुद्रांतर, एक 22 फुट लंबी है। अच्छा। अक्षुद्रांतर छोटी पतली होती है,
इसलिए छोटी कह देते हैं। एक बृहदान्त्र मोटी होती है, वो 6 फुट की होती है, 22 से 28 फुट की आते हैं। तो एक अमाश्य जो थैली जिसमें खाया पिया जाता है, एक लीवर, ठीक है ना, तो लीवर, अमाश्य और छोटी बड़ी आंत, इनकी क्रिया की कमजोरी से कब्ज होती है। अच्छा, अगर आंतों में सूजन है कब्ज रहने लग जाएगी, और अगर मैदे में कमजोरी है अमाश्य में तो कब्ज रहने लग जाएगी, लीवर कमजोर है तो कब्ज रहने लग जाएगी, अगर ये तीनों सबल हों तो कब्ज मिट जाएगी, कब्ज खत्म हो जाएगी। अब ये लोग क्या करते हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, ये कब्ज नाशक औषधि देते रहते हैं कब्ज वाले को। अच्छा, वो तो धक्के से लैटरिन उतारती है, क्रिया को नहीं सुधारती, आंत की, लीवर की, मैदे की क्रिया नहीं सुधरती। अच्छा, उससे तो वो टाइम पास स्टोरी है, कुछ साल होती रहे फिर बाद में, फिर उससे भी ज्यादा तेज चाहिए, फिर उससे भी ज्यादा तेज चाहिए। नित प्रति कब्ज नाशक औषधि लेने से आंतें दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जाती है। तो करे क्या, इस तरह कायम चूर्ण खाते हैं लोग, बिल्कुल गलत है वो। मतलब उसके अंदर जुलाब की औषधियाँ हैं, जिस तरह सनाए है उसके अंदर काला दाना है, और उसके अंदर ये दंती है, जमाल गोटा है, एक निशोत है, ये दवाइयाँ डालते हैं वो भावनगर वाला सेठ, तो कहते खाओ और अपना बढ़िया रहो, वो नहीं नहीं बेरा, तुम भट्ठा बिठा रहे हाथों का, रोज कब्ज देने से हाथ कमजोर हो जाती है, फिर वो सुधरे कौन सा भी नहीं, कायम चूर्ण खा लो, उसके बाद उसकी आँख ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, हाँ, तो कैसे ठीक होए कब? आप आंतों को मजबूत करने की, आंतों को सूजन उतारने की औषधि दो, और मैदे को, लीवर को ताकत देने की औषधि दो। लीवर में सूजन है, कहीं को फैटी लीवर हो जाता है, ठीक है ना, तो वो औषधि दो, उससे क्रिया ठीक होगी तो वो अपने आप कब्ज। ऐसी कोई एक दवाई नहीं है जो बताई जा सके, या है ऐसी कोई दवाई? हाँ, एक तो नहीं है, लेकिन यूं है कि मतलब जिस तरह आंतों में सूजन है, ज्यादा मेन कारण तो यही होता है, आंतों में सूजन, आंतों में सूजन, तो आंतों में सूजन के लिए जिस तरह शंखवटी है। अच्छा, महाशंखवटी है जी, ये वैद्यनाथ की आती है गैसांतक वटी, वो डाल दे, महाशंखवटी डाल दे। अच्छा, उसके अंदर नवाइस लो डाल दे लीवर के लिए, ठीक है ना, मैदे के लिए, उसके अंदर जो है नी ये ऐबे पत्ती कर चूर्ण डाल दे। अच्छा, उनकी पुड़िया बना के 2-3 महीने खा ले, और वहाँ तो मजबूत हो जाएंगे, लीवर ठीक हो जाएगा, अपना आप कब्ज मिट जाएगी। हाँ, तो और नहीं सामान्य कब्ज नाशक औषधि जो है ना, वो त्रिफड़ा अच्छा है। अच्छा, कैसे लेना चाहिए उसमें फिर वो ना, तो वो बिरेचक औषधि जुलाब भी नहीं है वो, और वो गुणकारी भी है, लेकिन त्रिफड़ा जो आम बाजार में मिलता है ना बढ़िया बनाया चूर्ण, ये घातक है। अच्छा, वो तो बराबर की हरड़ भेड़ा आंवला बराबर का पीस के डाल देते हैं, लिख देते हैं त्रिफड़ा चूर्ण। अच्छा, बराबर लोग पाकते हैं, हरड़ गर्म होती है जी। अच्छा, गर्मी बढ़ जाती है उससे। पित्त दोष गर्भवती नारी ये न हरित की न भक्षत ब्यारी। पित्त दोष मैंने गर्मी वाले को। अच्छा, और गर्भवती नारी को हरड़ नहीं खाना चाहिए। अच्छा, उससे गर्मी बढ़ जाती है, गुण नहीं करता उतना। तो त्रिफला की कोई मात्रा होती है इसमें? हाँ, 100 ग्राम हरड़ साल, 200 ग्राम बेड़ा साल, 300 ग्राम आंवला साल, न्यू ले ले। अच्छा, इस अनुपात से बनाया हुआ त्रिफला रसायन है, उसको पीस लो, पीस लो उसको, और उसकी फिर उसकी फाकी ले ले अपना, सवेरे 1 चम्मच शाम ने ले ले। हाँ, और बस यार ठीक है, सुबह शाम ले लो, ठीक है, सुबह शाम सामान्य कब्ज ठीक है। हाँ, सामान्य कब्ज, कब्ज है ही नहीं, वो कब्ज रहा ही नहीं। अच्छा, वो ठीक है। कई आदमियों की आंतों में खुश्की होती है, मिंगन सी लैटरिन आवर, वो खुश्की है, उसमें बादाम रोगन ठीक। अच्छा, बादाम रोगन। हाँ, कैसे पिए उसको? उसको दूध में डाल के रात को उसका 1 चम्मच और ले लो, वो जिस्म के लिए, दिल दिमाग के लिए भी मजबूत। गर्म दूध में बादाम रोगन। हाँ हाँ हाँ, 1 चम्मच, 1 चम्मच, उससे आंतों की जो खुश्की है वो दूर हो जाएगी, वो खुश्की दूर हो जाएगी। ये कितने समय तक ले वो? वो ज्यादा खुश्की हो तो 6 महीने ले लो, थोड़ी खुश्की हो 2-3 महीने में ठीक हो जाए। मतलब नुकसान कोई नहीं है? नुकसान क्या था बादाम रोगन का? तो दिमाग भी, वो तो दिमाग का टोनिक है। अच्छा वैद्य जी, एक बीमारी मैंने देखा है काफी, कि उसको सर्च करते हैं लोग कि इसका इलाज सफेद पानी की महिलाओं में, या मतलब तो छोटी सी बीमारी है यार। अच्छा, हमारे साइंस में। अच्छा, एलोपैथी के लिए बड़ी बीमारी, एलोपैथी में तो बहुत
ट्रीटमेंट जाती नहीं, एक पसरमा दूधी हो है। पसरमा दूधी, हाँ ये पंसारी की मिलती है क्योंकि आजकल ना पंसारी का तो नहीं मिलती जी, खेतों में घनी खड़ी है तो। अच्छा, और पतले पतले छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके, आपको क्या बताऊं, मतलब इस तरह छोटे होते हैं आप देख। अच्छा, पसरमा दूधी बोलते हैं। पसरमा दूधी है वाह, पुराने लोग बताते हैं। ज्यादा लंबा उसकी पलना वो नहीं बनता, नीचे नीचे रहती है वो, नीचे नीचे रहे इतने कमरे है। अच्छा, वो तीन चार प्रकार की हो, तो काली हो है, एक हरी हो, कौन सी हो। हाँ, अच्छा, उन्हें पढ़ ली, श्याम सुखा ली, श्याम सुखा के और उसके बराबर की मिश्री तोड़ ली। अच्छा, उन्होंने कूट के और चूर्ण बना ले, एक चम्मच सवेरे ले ले दूध से ठंडे से, एक श्याम में ले रहे को सफेद पानी की समस्या जमा सदा के लिए। अच्छा, और क्या, तो वो दूधी मिलेगा, पहचानेंगे कैसे लोग उसको। वो जी जो मैं बिल्कुल बारीक पत्ते होते हैं उसके। अच्छा, पुराने लोगों को तो पता होगी ये दूधी है। हाँ, सारे जाना है, हर मौसम में होती है। हाँ, वो लगभग ही हुआ है। अच्छा, सारे मौसम में हुआ। अच्छा, और चौमासे में खास तौर पर चौमासे में जाता। हाँ, बाकी किक्कर की कच्ची करकोड़ी है। हाँ, देखो मैं बताऊँ आपने, तीन चार दरखत ऐसे हैं जिनको शुरू में फूल आता है, फल आता है शुरू में। हाँ, फूल नहीं लगता। ठीक बात। और दरखत ऐसे पहले फूल फिर फल, फिर एक तो किक्कर सीधा फल ही आएगा। गर्भाधान होता है किक्कर को। अच्छा, फूल आते हैं सावन में और फल लगते हैं चैत में, विशाख में। फल करकोड़ी चैत विशाख में लगती है। अच्छा, किरकोड़ी का भी कोई उपयोग है। कमाल है, ये किक्कर गर्भ धारण करती है। अच्छा, लुगाई का रूप है किक्कर है। हाँ, लुगाई गर्भ धारण नहीं करती। जी जी। हाँ, 9 महीने बच्चा हुआ। तो उसी तरह किक्कर के फूल आओ जब तो गर्भाधान होता है उसका। हाँ, और उसके फली लागे जब उसके बच्चा हुआ। हाँ, वह गर्भाधान तो हुआ उसका सावण में, ये फूल सावण में लगते हैं। हाँ, पीले पीले फूल किक्कर को। हाँ जी हाँ। और फिर उसको करकोड़ी लागे हैं चैत में। आपको नहीं। अच्छा, आपका आयुर्वेद ये मानता है कि गर्भधारण किया है। हाँ, करे। अच्छा, इसी तरह बड़ है, बड़ का सीधी लगेगी बंटा लगेगा, बंटा पीपल का लगे, इसी तरह लगे है नहीं। बिल्कुल। तो ये दरखत ऐसे हैं कि इनको फूल नहीं आता, इनको फल ही लगता सीधा। तो किरकोड़ी का कोई उपयोग है। हाँ, किरकोड़ी 10 करकोड़ी जो है काची और श्याम ने मिश्री डाल के 10 ग्राम और आधा गिलास पानी भिगो दे और उस कुल्ली के ऊपर जो छालना बांध दे, तड़कन में करकोड़ी काट के कूट ले, बारीक चटनी बना ले, चटनी बना के वो पानी मिला के उसमें और उसने कपड़े में से निचोड़ ले मरोड़ी जाके और वो पानी पी ले सुबह सुबह, बिना पी लो 20 दिन पी लो, श्वेत पर्दर खत्म खत्म हो जाएगा। और क्या, किक्कर जो है औरत का रूप है, औरत के लिए ही है। अच्छा, और वैसे किक्कर को अनुपयोगी सा मानते हैं लोग, भाई कांटे वाली है, की काम आती होगी है ना ये दूसरी। अच्छा, पहाड़न तो बेकार है, वह दूसरी देसी किक्कर, देसी किक्कर अपने हमारे होती है जो। हाँ, खूब है। और किस चीज पे आपने शोध किया, एक दो बीमारियां और बताइए। और जिस तरह नजला है। हाँ, नजले के भी बहुत लोग। नजला जो है लाइलाज बीमारी है। अच्छा, एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं, आयुर्वेद में कोई सीधा वैद्य इलाज कर सके नहीं, कोई सब पे इलाज नहीं। हाँ, तो जिस आदमी की पित्त प्रकृति होती है गर्म तासी, उसको बार बार जुकाम होता है और जुकाम होके 10 दिन से ऊपर जुकाम, अगर विद इन 10 डेज जुकाम ठीक हो जाए तो नजला नहीं बनेगा, और 10 दिन से ऊपर चला जाए फिर सिर जलने लग जाता है, सिर में कच्चापन आ जाता है। डॉक्टर तो एलर्जी कहते हैं इसको। कईयों को 3 रूप होते हैं, कईयों को छींक आती है नाक से बहता है, कईयों को जो है छींक नहीं आती, नाक खुश्क रहती है, गले में गिरता है और गले फेफड़े उतर जाता है, फिर खांसी हो जाती है, फिर सांस हो जाता है। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, कईयों ने कुछ नाक से बो कुछ अंदर गिरा, 3 रूप। तो इस नजले के लिए जो है नी बादाम जो है, 7 बादाम
पांच ये अपना उनका अच्छा दाग और 10 ग्राम मिश्री शाम को भिगो दे, सवेरे छिलक तार के उनकी चटनी बना ले, चटनी बना ले, चटनी बना ले। और उसने गर्म दूध उबलिया उसके अंदर उस मिश्री के पानी में घोट के उसने बादाम ने चटनी ने और दूध में मिला के पी ले। नरनावासी पी लो, महालक्ष्मी विलास रस आता है, एक तो स्वर्णयुक्त होता है तो थोड़ा महंगा है, एक वैसे लक्ष्मी विलास रस आता है नारदी है नारद ऋषि का कहा हुआ तो वो, और ये मकर ध्वज वट्टी अच्छा अम्बर युक्त इनकी पुड़िया बना ले, दो दो रोटी की, दो रोटी वो, और सवेरे शाम झंडू के केसरी जीवन के साथ ले ले। अच्छा झंडू का केसरी जीवन आता है हाँ, उसमें आंवला प्रदान होता है, सोनप्रास से कई गुना तकड़ा होता है वो। अच्छा एक एक चम्मच में मिला के सवेरे शाम खाली पेट ले ले, एक घंटे कुछ नहीं खाओ, लस्सी दही का परहेज करे, जूस सभी तरह जूस नजला का रहे। अच्छा जूस पियोगा जिसका नजला और घुट जाएगा, अच्छा नजला और जूस पियोगा और घुट जाएगा। जूस नहीं पीना चाहिए ना, नजला नहीं पीना चाहिए ना। अच्छा हाँ, कच्चा प्याज रंजा प्याज खा ले, मूली कच्ची चिकन चिका हो जाए, अच्छा खोए की मिठाई कच्चा घी लाल करके घी खावे, गाढ़ा दूध खीर इनका परहेज करें, परहेज करना चाहिए। हाँ जी तो ये अगर 6 महीने खा ले तो नजला जाएगा। अच्छा दो तीन बीमारियां और ऐसी हैं वैसी जी हाँ, तो बहुत चल रही हैं जैसे हर आम आदमी सबको मिल जाएंगे आपको। पहला शुगर, शुगर आप किसी ने पकड़ो मेरे शुगर हो रही है, मेरे शुगर हो रही है। दूसरा बीपी, ब्लड प्रेशर आप मोस्टली लोगों को देखते हो, कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ जाता है, तो सबसे पहले आप शुगर का इलाज बताओ क्या किया जा सकता है शुगर में। शुगर में यूज ये शुगर होता होता हो नहीं तो उसमें एक चम्मच मेथी अच्छा पूरी लाद के गिलास में डाल दे, और 20 काली जीरी के बीज, 20 काली जीरी के बीज, काली जीरी बीज, बीज पतले पतले हो जमाए ऊँट ने दिया करा कड़वी हो खूब कड़वी उन्हें भिगो दी तड़कर उन्होंने चाय भी के, और वो जो पानी है ना पहले चाह की छालनी गेड़ लिया, चाह की छालनी गेड़े पानी नीचे निकल जाएगा और उसने चबा ली और ऊपर दो पानी पी लिया होंदा होंदा शुगर जैसे जाना जिसका थोड़ी स्टेज पे है। हाँ होंदा होंदा हो तो, और जो खूब पाग रहा हो जिसके 500 जा रहा हो 300-400 जा रहा हो और उसके लिए तो यूँ है कि एक तो यू नुस्खा ठीक है। कितने ये हमेशा ले? हाँ जी हमेशा लेना है कुछ समय के ना लिए? ना कुछ समय के लिए, 6 महीने हो तेरा सिर्फ 6 महीने हाँ। अच्छा एक तो यू नुस्खा ले, एक छोटी तिखी मिर्च हो है ना जोवा मिर्च, जो डब्बे में लगा के जोवा का ना हुआ। अच्छा छोटी मिर्च हो मुँह तो नहीं खूब हो वा। अच्छा जोवा मिर्च, जोवा मिर्च बोल रहा एक मिर्च ने हरी ने जो नहीं हो चीर के चक्कू से और आधा गिलास पानी में डाल दिया रात को, ढक्के छोड़ दिए, तड़को मिर्च ने मसल के और वो पानी पी लेना बस। मतलब जिसको हाई शुगर है उसकी भी ठीक? हाँ ठीक हो जी। कितने एक समय लेगी ये मिर्च? ये मेथी और मिर्च 6 महीने ले लो तुम्हारा सही हो जाएगा। मिर्च में थोड़ा सा दुर्गुण है कि कई आदमियों को कड़ी से जलन हो जाती है ना, तो उसमें थोड़ी सी एसिडी गोली खा ली, एक छह महीने खा लो और के ठीक हो जी। अच्छा और बीपी की, बीपी का भी है कोई निदान आपके पास? बीपी का कोई नहीं खास नुस्खा नहीं है ना, ये एलोपैथिक गोली है ना, ये तो ऐसी है कोई गोली शुरू शुरू में बीपी हो 5-6 साल दस जाए गोली, फिर उससे हाई डोज मांग ली, फिर वो डबल करनी पड़ती, फिर उस डबल करो या उससे और ऊंची स्तर की लो, वह 2-4 साल जैसे फिर ऊंची स्तर की लो। जिंदगी हमारी आयुर्वेद की जो गोलियां है ना बीपी की वो जड़ से नहीं खत्म करती। अच्छा आयुर्वेद में मुकम्मल इलाज ना, इसका कोई मुकम्मल तो एलोपैथी में भी कोई नहीं, वो गोली लेते रहो वो तो मतलब हमारे एक आता है चिंतामणि रस आयुर्वेद के,
वो बीपी की टॉप की दवाई है, चिंतामणि रस। चिंतामणि रस, अच्छा। एक जवार मोहरा नंबर एक गोली है, आप चिंतामणि रस की गोली। जवार मोहरा नंबर वन, नंबर वन, ये दो गोली है। अच्छा अच्छा, जो जवार मोहरा नंबर एक है नी, या जो आदमी खानदार है उसको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। अच्छा, युद्ध पक्का इलाज है। अच्छा, लेकिन खानी पड़े रोज, रोज एक गोली, रोज एक गोली, दो गोली सुबह शाम। अच्छा, जो अपना चिंतामणि रस है वो लियो, इतना बीपी नहीं होगा। एलोपैथी का इलाज तो वो भी है, एलोपैथिक में भी लियो, इतना को नहीं होगा बीपी। हाँ, छोड़ती फिर पक्का इलाज हो नहीं, ठीक है ना। अच्छा भाई जी, एक मैं जैसे इंटरव्यू करता रहता हूँ वैद्यों की, तो एक जो ज्यादातर लोग बहुत सवाल, दो सवाल आमतौर पे पूछते हैं लोग, एक तो आजकल है ना बच्चे ना होने की समस्या बहुत भारी है, मतलब औरतों को फर्टिलिटी रेट कम हो गया है। ये दो बातें हैं, मतलब है, औरत की दो ट्यूब होती हैं, दो नलियाँ होती हैं, जो रज बहाती है, आदमी का वीर्य, औरत का रज, हम रज बोलते हैं उसको जी। तो वह ट्यूब बंद होती है कईयों की जन्म जात। अच्छा, उनका ना इलाज, ना एलोपैथी में ना इलाज, ठीक है। अच्छा, कई आदमी ऐसे होते हैं, मर्दान की शक्ति तो पूरी होती है उनमें, क्योंकि कीटाणु होते हैं नील, जीरो सीमन जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ, जीरो सीमन, उसका नहीं होगा कि मैं भी, कोई इलाज नहीं उसका, कोई इलाज नहीं, बिल्कुल प्रकृति ने गढ़ दिया हो ऐसा ही वैसे। अच्छा, तो ये तो बहुत महंगे महंगे इलाज करते हैं कई वैद्य तो, उनका कौन जीरो सीमन का और नहीं होता, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ठगी करते हैं लोगों के साथ। बाकी बच्चादानी में सूजन हो, मेंसी ठीक नहीं आते हो, रुके हुए हो, उसका इलाज हो जाता है उसको। अच्छा, मासिक धर्म जो अनियमित होते हैं औरतों के, हाँ जी हाँ जी, इसका क्या नुस्खा है आपके पास? इसका तो एक गोली आवा है, रज प्रवर्तनी बट्टी, रज प्रवर्तनी बट्टी। हाँ अच्छा, प्रवर्तनी मैंने बाणे वाली, रज मैंने रज, रज को बाणे वाली। अच्छा, दो गोली सुबह, दो गोली शाम में, दो महीने खा लो, सही है जी, ठीक हो जी। और क्या, एलोपैथी में तो बहुत लंबा इलाज है इसका, किसा इलाज है एलोपैथी? एलोपैथिक में कोई भी रोग सारी उम्र खाते रहो टिका रहेगा, जड़ जाएगी नहीं एक रोग की, इनका ऑपरेशन ठीक है। और जो खड़ा खड़ी किसी को हार्ट अटैक हो गया और हो गया, वो तुरंत बाईपास, हाँ वो तो है इनका ठीक। बाकी इनके इलाज के बारे में मेडिसिन में दास को, सारी उम्र खाओ तो क्या इलाज होया, वही बताऊँगा, महीना दो आई खा के पेंडा छूटे, वो तो है ठीक, गलत है रोग, जड़ मूल, जड़ जड़ से मूल उच्छेदन होती रोग का। आपने कोई इलाज को जाके, आजकल बच्चों को का ना दूध नहीं उतरता माओ का, इसका तो है, है? है? क्या इलाज कर जा? सफेद जीरा आता है। अच्छा, फूसा सफेद जीरा, हाँ एक तो आप छोंक में लाओ, हाँ ये तो मोटा हुआ थोड़ा, हाँ। वो फूसा हुआ है। अच्छा, वो 10 ग्राम रोज दूध उबाल ले सवेरे और 10 ग्राम शाम, जो आप पास में दिन दूध आ जाएगा, 2 महीने जो दूध मुके गोली। अच्छा, और क्या, और आपने जितना आयुर्वेद को पढ़ा है, जाना है, आपने इतनी प्रैक्टिस करी है, मतलब एक आदमी स्वस्थ कैसे रहे जीवन में, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसा आचार व्यवहार करना चाहिए? देखो जी, इसमें तो ऐसा है, मोटी बात तो आयुर्वेद में यही दिश है, मिथ्या आहार विहारेशु रोगाणाम जायते, गलत खान पान से रोग पैदा होते हैं। आहार और विहार, विहार मैंने आचरण दिनचर्या ला लो, और आहार मैंने खाना, ठीक है। तो पाच का अग्नि जो है वो 6 घंटे में भोजन हजम कर लेती है। अच्छा, ठीक है, 6 घंटे के बाद भी आदमी ने 2-3 घंटे रोटी नहीं खानी, नहीं खानी चाहिए, हैं? हाँ, क्योंकि बड़े हुए जो दोष हैं, वात पित्त कफ, वात बढ़ रही है वाय मतलब वायु, और पित्त बढ़ रही है गर्मी, कफ बढ़ रही है मतलब ठंडा ठंडक, तो वो अग्नि उनको पचा देती है। फुर्सत में अग्नि हो जाए 2-3 घंटे तो उन बड़े हुए दोषों को पचा के समान अवस्था में ले आती है। दोषों की क्षमता का नाम आरोग्य और विषमता का नाम रोग है। दोष बराबर रह जाएंगे वात पित्त कफ तो निरोग रहेगा।
और दोष घट बढ़ जाएंगे, रोग पैदा हो जाएंगे। और उनको संभाव में रखने के लिए भोजन के 2-3 घंटे बाद तक भी कुछ नहीं खाना चाहिए। अच्छा। ताकि वो बड़े हुए दोषों को अग्नि पचा दे। अग्नि तो बेली कौन बैठा है, काम करेगी जो उसको ऊपर अन्नी पड़िया तो वह 2 साल पचाओगे। और समान दोष रह जाएंगे, रोग क्यों होगा, कहो नहीं। ठीक बात है। और 2 बार खाना चाहिए, दिन में 2 बार, 2 बार सिर्फ। और उसका अंतराल होना चाहिए 8-9 घंटे का, रोको नहीं, ताकि वो अग्नि काम कर सके अपना। वो 2 साल पचाती रहेगी, वहाँ दोष बढ़ने को देगा, समझे ना आप। दोष बढ़ेंगे तो रोग होंगे नहीं, क्यों होंगे रोग, एक बात। दूसरी जो बात है, कई द्रव्य संयोग विरुद्ध होते हैं। मतलब जिस तरह खीर खाएगी लस्सी पी ली। अच्छा। आपको नहीं, आप पी ले हैं कई आदमी। हाँ, आजकल तो मछली दूध है, दही पराठा खा के चाय पी ले हैं लोग। कई मछली, वो तो कोई बात नहीं, वो दही तो होगी ठंडी और ऊपर से वो चाय होगी गर्म, उसमें कौन बिगड़ेगी। मैं अच्छा। चाय पी के दही खा ले नहीं, वाह माड़ी है, ठीक है ना। अच्छा, मछली दूध, ठीक है ना। अब संयोग विरुद्ध चीज नहीं खानी चाहिए, ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए, पित्तकारक। जिस तरह रोज गुड़ खाएं जो बनाए, शक्कर खाएं जो रोज सारी। अच्छा, या चार खाएं जो रोज। मैं करता हूँ ऐसे काम ये लगातार शक्कर खा रहा तो कई दिन खाता रहता हूँ। नहीं, न्यू तो अंदाजे की तो कोई बात नहीं। अच्छा। कोई आदमी बहुत खाए जा है, बहुत आए तुम्हें। अच्छा। थोड़ी की तो कोई बात नहीं। अच्छा। वहाँ एक टाइम कभी ले ली ना, वो कोई डर नहीं, वो ले ली। तो ठीक खान पान खावे, हित भूख मित भूख और चरकारी बात है, हितकारी भोजन करो, थोड़ा एक भाग अन्न, ठीक है जी, 2 भाग पानी पेट में, 1 भाग अन्न, 2 भाग पानी, 3 भाग एक्सरसाइज, व्यायाम या दौड़ धूप काम हो किसी ने, काम करेंगे सारी ना तो आदमी स्वस्थ रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, आप जब मरीजों को देखते थे तो सबसे ज्यादा किस चीज बीमारी के लेके आते थे लोग आपके पास आमतौर पे, मतलब अगर दिन में 100 मरीज आए, 50 आए, उनमें से ज्यादा पेट के रोगी ज्यादा आते थे। पेट के रोगी, पेट के रोगी या गठिया भाव के रोगी। अच्छा, गठिया भाव का भी है कोई मुकम्मल इलाज आपका, मतलब उस पर? हाँ हाँ, पेट से होता है गठिया भाव। अच्छा। जो भोजन हम करते हैं उससे 7 धातुएं बनती है। अच्छा। पहले रस बनता है, उसका सार तत्व है, फोकट की लैटरन बन जाए, फिर उस वो रस जो है नहीं लीवर में जाके रंजक पित्त के द्वारा रंगा जाने से उसका ब्लड बनता है, रक्त बनता है। अच्छा। और रक्त पकता है शारीरिक उष्मा से, शरीर की गर्मी से मांस बनता है। दूध घना हो, खोआ थोड़ा लिखड़ा है, लिखड़ेगा कि नहीं, ठीक बात है, तो शरीर में भी गर्मी है खूब है। मुर्दा आदमी आप सोड उठा दो, गर्म को नहीं होगा, होगा ही नहीं। हाँ, अरे जिंदा है, मतलब एक केस पेट जो वो केस भी गर्मी पकड़ जाए, देखो नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे। तो शारीरिक उष्मा से खून पकता है, रक्त पकता है, शारीरिक उष्मा से मांस बनता है, मांस पकता है शारीरिक उष्मा से चर्बी बनती है। अच्छा। मेद बोलते हैं उसको, मेद। और मेद पकता है शारीरिक उष्मा से अस्थि, हड्डी में मजबूती आती है। अस्थि पकती है शारीरिक उष्मा से, मज्जा बनती है। अस्थि के ऊपर एक पतली परत होती है सुपीरियर, बहुत चिकनी। अच्छा। कई बार हमारे माथे में सुई टेके ऐसा पसीना हो, खाना खा रहे हो हम, मिर्च मुर्च ज्यादा हो तो सुई टेके ऐसा पसीना बिना बिना, और कई बार तलराटा पड़े, देखो नहीं, ठीक बात है। तो उस मज्जा में से बारीक सुई की कण टेके ऐसा फूट के वीर्य, 7वीं धातु वीर्य है। और ब्रह्मचारी जो आदमी उसको 8वीं धातु बनती है, उसको ओज कहते हैं। ये 7 धातु सारे शरीर में, ओज केवल मस्तिष्क में होता है। मुखद ऋषि ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, ओजस्वी ब्रह्मचारी को होता है वो ओज, और एक को नहीं बनता। अब तो क्या अगर बोले इसके माथे की ओजे अलग है। हाँ, ओजस्वी भाषण है इसका। तो मतलब ये 7 धातुएं जो है ना, ये अगर ठीक बने जाना। अब जिस तरह रस है, तो रस अगर अग्नि पूरा पका दे उसको,
आंतों की सूजन, लीवर की सूजन, तिल्ली, गैस, तेजाब, कब्ज वगैरह अगर ये हो, तो वो सरस को कच्चा छोड़ देती है अग्नि, उसका खून नहीं बनता, वो जोड़ों में आगे बढ़ जाता है, समझे रहे आप। और जोड़ों में से नाड़ियाँ गुजरती हैं जो ब्लड सर्कुलेट करती हैं, तो नाड़ी खून के अंदर हवा होती है, ब्लड में ऑक्सीजन कहते हैं ना। हाँ ठीक है। तो यहाँ फेफड़े में हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के संयोग से रक्त साफ हुआ है, फिर वो हृदय में जाओ है, हृदय के चार कोठे होते हैं, तो दो अशुद्ध के दो शुद्ध के, ठीक है ना। ये शुद्ध के कोठे हैं ना, ये बूचें खुले हैं उसके, वो चारों खुले हैं बूचें हैं, तो दो अशुद्ध में तो अशुद्ध खून आवे, और शुद्ध होया पास फिर वो ये जाल सी लागे नाड़िया में, नाड़ी टपके ये कुदे जो नाड़ी, हाँ नाड़ी कुदती है। हाँ जिस तरह वे खांड है, खांड के अंदर पानी चल रहा है, बीच में बंदा लगा दे पानी अटक जाएगा, अटक जाएगा, और फिर उसका बंदा थोड़ा हकाट दे, फिर पानी की लहर सी जाओगी, फिर बंद कर दे, फिर काट दे, फिर लहर सी जाओगी, तो जब बुझता है तब तो लहर जाती नाड़ियों, वो नाड़ी उछलती, और जब वो खुला है जब वो नहीं उछलती, ठीक है ना। तो नाड़ियों के अंदर खून के अंदर वायु होती है, ऑक्सीजन, तो जोड़ा में जो पानी भर गया आम, उसको हम आम बोलते हैं, कच्चे रस को, जो खून है जो मतलब है, कच्चा रस था उसका खून तो बना नहीं, वो जोड़ा में भर गया, और जोड़े से नाड़ियाँ गुजरती हैं, उसके अंदर नाड़ियों के ऊपर दबाव पड़ गया उसका, नाड़ियाँ पिचक गई, तो खून जा नहीं सकता आगे, खून में गुड़ी ऑक्सीजन कैसे जाएगी, फिर आगे नहीं जाएगी, वो चस 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 चबक चबक चीज मार लगी, वही गठिया है, वो आम वात है, इस रोग को हम आम वात कहते हैं, गठिया पे खड़ी बोली का शब्द। अच्छा, आम कांबड़ा पेट में। अच्छा, इसका निदान कैसे करते हैं? निदान तो जिस तरह जोड़ में स्वेलिंग आ जाएगी, चीज लगेगी उसके, निदान तो वो अपने आप पे बता देगा, मेरा ये जोड़ भी दुख रहा है, उसकी दवाई क्या, उसका इलाज कैसे करोगे? दवाई तो उसका ऐसा है, अजमोद आदि चूर। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, एक तेल बनता है, मतलब 100 ग्राम सरसों का तेल, 100 ग्राम सरसों का तेल, और उसमें 16 आग के पत्ते, 16 आग के पत्ते, हाँ अच्छा, वो लगे लग रहे उस साइड से पीड़े हों आगे से रहे हों से जमा रहे पत्ते डालने, दो लहसुन की गिरी, आठ लहसुन प्याज उन्हें काट के गिरी गेट दी उस तेल में, और उन पत्ते ने गेट दी, धतूरा का रस, धतूरे के पत्ते की चटनी बना के रस निचोड़ दी। और सावधानी से बनाने का ही नुकता है वैसे, है ना, सावधानी नहीं थी कोई खास बात नहीं। आग का दूध 4 बजे के बाद नहीं चलता। अच्छा अच्छा, कितना दूध दम दूध दो आप? अच्छा, 4 बजे से पहले करो। अच्छा, ये धतूरे के पत्ते, उसमें धतूरे के पत्ते मतलब कूट के चटनी, और एक कपड़े में उसकी मोई सी घाल कर चारों पल्ले पकड़ के निचोड़ दिया, निचोड़ लो, कच्चे हुए तो पत्ते। अच्छा फिर, और 8 कुचड़े की टिक्की, कुत्ते मारे आ रहे हैं कुचड़ा जहर, और उसमें अपना गुड़ गाढ़ आटा उटा मिला के कुत्ता गेड़े मर जाए ना, कुत्ते जहर होता है वो तकड़े मतलब सख्त होती है, फाड़ी के मोटे हिस्से कूट देती, वो मोटे कचरे है बन जाए, दो लहसुन की वो पोथी सी होगी, और 100 ग्राम नीम का रस तो से लहा लकड़ा को एक तो बाजार में मिलता है नीम का, ना मिलता नहीं, रस मिला है? हाँ मिलता है रस, अब आता है। अच्छा, नीम का तेल आता है? तेल आता है, रस तो नहीं। हाँ, तो वो जो नीम के 1 किलो पत्ते ले गए और उन 1 किलो पानी में उबाल ले, 100 ग्राम रस जो दिया ले उस पानी ले ले, वो उस तेल में गेट दे, ठीक है, कुछ थोड़ी टिक्की गेट दी, 5 ग्राम अफीम गेट दी, समझा, और काला कर दी, और जो 100 ग्राम तेल बचे नहीं उसमें छाण के जाके उसकी मालिश करे, मालिश करे कुछ जोड़ा पे, और ये समझ लो आप अजमोदा दी चूर्ण खा ली, तो ठीक हो जी, ठीक हो जाए, करें आपने खूब यार कमाल है। तब नहीं आते लोग वैद्य? मैं सिविल हॉस्पिटल का सामने 20 डॉक्टर थे वहाँ सिविल में, मैं वैद्य था, और ये
कुलदीप कुमार देखी हुई है मेरी वो तो आपकी। कुलदीप कुमार डॉक्टर है नी, यू CMO था, यू मन जाना करता पहले से नहीं सही। हाँ हम लाला जी कार दे दिया नरवाना गए तो मेरे दुर आए मन कोई 15-20 दिन हुए थे उस दाले बनाए नहरा साहब आओ जी आओ मखा शेठ जी बैठ गया चाचू यहाँ कैसे बैठ गया मेरा क्या प्रतिबंध है भाई मैं एक क्लास रजिस्टर्ड हूँ मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ मैं बीमार को सर्टिफिकेट ले दूँ 6 महीने का मेडिकल कोई चैलेंज नहीं कर सकता मैं भाई एक क्लास हूँ मैं एक क्लास MBBS भी दे दे रहा मैं दे दिया ना बोला वो नहीं वो तो मैं जानता हूँ क्या कमाओगे यहाँ मेरा उस दाले में 20 डॉक्टर हैं मैं बोला मैं पहाड़ दान खातर बैठा हूँ तेरे उस दाले जे मेरे पर लग गया ला लूँगा नहीं 15 रुपये दुकान का किराया है मेरे तो किराए को नहीं पट रहा है मैं जोड़ी झंडी ठा के बिक जूंगा अब तेरा कटारा भरया रो है इलाज तरब है कुछ हाँ और मैं 15-20 रुपया मेरे पक्का इलाज से पहले नाड़ी देख के डायग्नोज करूँगा मैं पूछूंगा नहीं अगले कुछ भी और उसका 20-30% जो बैग तो ठीक है तेरी बात बता दी सारी है फिर उसकी 5-7 दिन ही पुड़िया देवांगे वहाँ क्यों खुड़का करेंगे 15-20% फिर को तसली होगी पूरा कोर्स कर लिया रोग जाना रहेगा फिर और बताओगा मैं कहती नहीं बोला अगर यह बात है तो वैद्य फिर चलिएगा 6 महीने बाद फिर आया वैद्य जी मान गया आप मेरा साहब माँ के मेरे हॉस्पिटल में बड़ी चर्चा रहे आपकी क्या अरे बोला क्यों लाइन बंद खड़े यू वैद्य बैठा ना था ना लेंदा को देखने का नाड़ी देखने का इलाज हो तो उठ ले नहीं नैट तो बड़ा अच्छा चला 35 साल 35 साल हाँ टोटल 58 साल प्रैक्टिस छोड़ा क्यों फिर आपने देखते रहते वही कोरोना करके मैं छोड़ दिया महा ये छोट काम करें बताइए बिल्कुल नहीं देखते नाड़ी वाड़ी कुछ ना मैं जानता है तो आपने ये जो मैं तो भगवान की भक्ति करूँ आपने जो प्रयोग हैं ये लिखे हैं कहीं पे तो इनकी किताब विताब आप प्रकाशित करवाओ ना ना दिखाओ पसंद करते हैं मतलब गांव में 35 लाख रुपये ला के वृद्धाश्रम खोल दिया वृद्धाश्रम बना रखे बना रखे डाढ़ गांव है ना आपका हाँ डाढ़ उसको चलाऊंगा अच्छा वृद्धाश्रम देखो वृद्धाश्रम हाँ मैं नहीं देखूंगा एक बहुत छोरा ला दी उसमें अच्छा और वो महीने 20 दिन में जाया करूँगा हम तो तनख्वाह दिया करूँगा खर्चा वर्चा दिया करूँगा है जी अब मतलब बूढ़े की सेवा करा अगर अगर सुधार लिया कि यह उम्र तो ठीक टूट गई अब अगर तुम्हें कहीं बोवागे तो काट ले हाँ ककों नहीं ठीक बात है तो आपकी किताब तो मैं ले जाऊंगा फिर वो एक नुस्खे देख देख के बताता रहूंगा मैं और क्या करूँ आप तो नहीं परोपकार है ये मेरे पास टेलीफोन आ जाए लिखा दे बता देते हो आप लिखा दे लक्षण पूछ के अगले से अब ये डॉक्टर कौन से नाड़ी देखे ये लक्षण पूछे बुखार कब चढ़ता है कब उतरता नहीं, है ये जो कानों में लगा के देखते हैं इससे कुछ पता लगता है ये तो हार्ट की बीटिंग देखते हैं कहीं फेफड़े बलगम देख ले भाई सांस ले लंबे तो मरीज को ये मतलब लगे कि भाई डॉक्टर ने कुछ देखा है असंतुष्टि सी हो जाए उसका और कि मैंने मेरा पड़ता है जैसे आजकल नाड़ी देखने वाले भी बहुत सारे लोगों को नाड़ी की जानकारी भी नहीं है वो देख लेते हैं अगला का संतुष्टि हो जाओ बता तो नहीं सकते मैं बता दूँ क्रेयर हो गया जीभ देख के बता दी नाड़ी देख के बता दी रोटी खा रहा उसकी जीभ देख ली और रोटी नहीं खा रहा नाड़ी देख ली हमारे गुरु थे स्वामी गगनानंद जवाहरलाल नेहरू के क्लास फेलो थे अच्छा और वो आयुर्वेदाचार्य थे और वो जहरों के वैद्य थे अच्छा सात अपने तो सप्रा है कि देने डॉक्टर सात विष हैं बड़े जहर और सात उपविष मतलब जिस तरह कालकूट वस्तनाब अलाहल मीठा तेलिया रस कपूर हैं कुचला संखिया ये बड़े जहर इनकी सप्रे बनाए अरे ये औषधियों में भी शुद्ध कर रहा है इनको शुद्ध करके औषधियों में पड़ते हैं उसको अच्छा सात छोटे हैं आक है कनेर है दतूरा है ठीक है ना कुचला है ये छोटे जहर तो जहरों का वैद्य था नाड़ी का बड़ा विद्वान था वो मतलब एक साल किसी जमींदार का ठहरा दिया मैंने वो अच्छा उसको 5-4 बीमार थे
कि सेवा सावा करी जाते दुनिया आती उससे नाड़ी भी सीख लिए तो नुस्खा भी बोल दिया। नुस्खे वैसे नहीं मिलते, नुस्खे या तो खुद से बनते हैं या किसी के पास हो, किसी तरह लेना जानता हो कोई दे दे, अगला प्रूफ कर्म दे दे। हमारे आयुर्वेद के अंदर ये कमी है, हमारे आयुर्वेद के अंदर किसी के पास चार रोग का इलाज है, किसी के पास एक का है, किसी के पास दो का है, किसी के पास दस का है। अगर सारे नुस्खे लिटरेचर में आ जाएं, साहित्य में, एक रोग भी नहीं रहे, लेकिन वैद बताते नहीं, वैद्यों के साथ ही चले जाते हैं नुस्खे उनके। हाँ, वो साथ चले जाते, या को अपना एक आध नुस्खा बांट दिया, संतान ने बता दें, को भाई बेली ने बता दिया, तो चले जाते हैं नुस्खे, चले जाते हैं। मैं तो दे दिए सारे परोपकार। यहाँ लाडुआ बैठता है एक लड़का, देवेंद्र, उसको 13 साल रहा मेरे पास, मेरे पैर पकड़ी रोन लग गया, छोटे को मेरे के बात है वैद जी, मैंने चेला बना सारी दे दी उसको ए टू जेड, मैं क्यों सिखा दिया और माँ लाकड़िया में क्यों चढ़ा गया, क्या गलत है एक बात और मैं काटिए ना किसी ने, मैं तो उठ लिया थे लाज का उठ लिया नहीं नाट लिया, फीस नहीं ली मैंने कभी जीवन किसी से, एक एक घंटा माथा मरवा के चले जाओ, थब्बे उठा लिया रिपोर्ट आगे मरीज जी तो दर्द देते नाड़ी देखा अरजीत देखा डायग्नोज मैं आप करूँगा अपने मेरे हिसाब से, ऑल इंडिया के लोग भी ठीक करें मैंने 8-7 तो एक तो अरे है क्या नाम है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है क्या, उसका एक ही लड़का वो आ गया, एक वो है वो के नाम कैंप चौक में, उसने कई इलाज उलूज करवाए थे मेरे से, तो वो रफूजी वो भी रफूजी, और उसका लड़का ऑल इंडिया में इलाज करा 8 महीने से, और उसकी अब मूत्राशय की नली है, मूत्राशय है नहीं मूत्राशय की थैली या गलरी, और उसको वो कैथीटर ला रखा पेशाब तारण का, और बोले सारी उम्र रहेगा ये, 8 महीने हो गए थे इलाज चलता ऑल इंडिया, और एक ही लड़का, और वो न्यू चल रहे न्यू जमाई लड़की लाग रही तो ना ना न्यू ही चल रहा है लड़की चल रहा है चल रहा, तो आ गया बोले जी न्यू कर मेरे एक लड़का ना ब्याह रखा है, मैं बोला 7 महीने लड़की हटवा दूंगा इसकी, वो तो कौन है सारी उम्र रही, बोला सारी उम्र रही थी ब्याह हुआ कौन, हाँ कोई ब्याह, हाँ 7 महीने हटगी 2 महीने सही से जख्म थी, जो चंदन तेल है नहीं वो इतना इफेक्टिव है उस जैसी एंटीबायोटिक दवाई दुनिया में, चंदन तेल, चंदन तेल किस चीज़ में ज़्यादा इफेक्टिव है वो, जिस तरह वो सुधाक हो किसी को नलकी में जख्म, अच्छा एक दूसरे को रोग लगते हैं ना इस तरीके से आदमी को, आदमी को आदमी से इस तरीके, अच्छा हाँ, तो उसमें बहुत काम करता है, काम होगा अंदर की गड़ावट हो कोई भी लिंग के अंदर हो या मूत्र की थैली में हो, एंटीबायोटिक बहुत तगड़ा है वो, एक डाबर कंपनी का ठीक मिले बाकी नहीं, बाकी नकली बनाओ तो उसकी मात्रा कितनी लेनी होती, सात बूंद सुबह सात शाम पानी में दूध में दूध खाली पेट ये रोग ठीक हो जाते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते जी। आपके पास तो फिर आना पड़ेगा मुझे, इतने में एक दिन में काम तो चलना नहीं है, तेरा जी घर से तेरा हाँ जी तेरा जी कर ली। दोस्तों ये हैं वैद्य छबीलदास नेहरा जी, 80 साल की उम्र है, देख लो कैसे फूल से पड़े हैं, तो बहुत रोगों का इलाज किया है, कुछ बातें हमें भी बताई हैं, फिर मौका मिल गया तो नेहरा साहब से फिर बातें करके जाएंगे। आपको किसी स्पेशल रोग की जानकारी इनसे पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अगले इंटरव्यू में इनसे उनकी जो नुक्ते हैं वो पूछ के आपको बता दूंगा। आप मेरा टेलीफोन नंबर दे दो, आप परेशान हो जाओगे बहुत फोन आएंगे। अच्छा हाँ फिर रहने दे यार, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। हाँ तो वो आपकी भक्ति है ना, तुम्हारा पुराण है ना, फिर आप है ना दोबारा से वैदगिरी में आ जाओगे। ना मैं को नहीं हूँ, मैं भाई नंबर देते ही आ जाओगे। ना ना कौन दिया नंबर, रहने दे फिर रणवीर, मैं मैंने जो कमेंट करेगा ना, भागवत महा पुराण है ना जी जी, 11 से 11 पृष्ठ दो ग्रंथ है, भाग एक भाग दो, उसमें कृष्ण का वास कर ली, जो कृष्ण गया ना अपनी लीला पूरी करके, यह उदो कहने लगा आपका
मतलब अक्षीर सागर में दूध की सैया पे, शेषनाग की सैया पे सोओगे दूध के सागर में, या बेकूठ में जाओगे या गोलोक में जाओगे, कहाँ ध्यान करें। मेरा 4,32,000 साल का कलयुग है, मैं भागवत महापुराण में निवेश करूँगा, प्रवेश करूँगा। अच्छा, इसको जो पढ़ेगा सुनेगा सदगति पाएगा। वो 9 बार तो मैंने पढ़ लिए, अब 10वीं बार लग रहा, ठीक है ना। और रामायण पढ़ दिया 10-20 बार, गीता तो मैं 15 साल का पढ़ने लग गया था। ठीक है, जो कमेंट करेगा ना आपके वीडियो में कि मुझे ये बीमारी है, वैद्य से पूछ के बताओ, तो मैं उनका अगले इंटरव्यू में उनसे फिर पूछ के आपसे बता दूंगा उनको, फोन से ज्यादा ये ठीक रहेगा। चलो न्यू है जी, मैंने ज्यादा व्यस्तता तो मन अच्छी को लग दी, संसारी चीज अच्छी को लग गई मैंने। अच्छा, मैं तो एक आध्यात्मिक लिहाज से दृष्टिकोण है कि भाई भगवान का नाम है नहीं जो यू काम है, और कुछ नहीं, संसार स्वार्थ का। नरे साहब, हमारे तो भगवान का नाम लेने टाइम नहीं है ना अभी थोड़ा। नहीं, आपका नहीं है, मेरा तो है। आप लो, ये 5वां अध्याय गीता का कंठ है। 15 साल की उम्र में 40 बार गीता पढ़ी, 9th में तो कंठ है वो, भजन रागनी की तरह गीता देखनी नहीं, सवेरे उठता है कर लूँ, गौ मंत्र का जाप कर लूँ सवेरे शाम, और ये पढ़े जाऊँ, प्रवचन सुने जाऊँ। शुक्रिया नरे साहब आपका।